साथियों, रघुवीर धर्मकोर के दूसरे भाग की रागनी आपकी सेवा में पेश है। इस किस्से में आपने सुना है कि रघुवीर के माता पिता का तो स्वर्गवास पहले ही हो गया था और उसकी मौसी ने उसका पालन पोषण किया था। रघुवीर की मौसी का भाई नथु सिंह भी अपनी बहन के पास धनोरा में ही रहता था। रघुवीर की शादी हो गई थी और मुकलावे में बहू धर्मकोर को रघुवीर की मौसी ने जान पूछ कर कड़वा खान कसार खाने के लिए दिया था। इस बात पर सास बहू में ग्रह कलह छिड़ गया था। नतीजतन रघुवीर की मौसी ने रघुवीर और उसकी पत्नी को अलग कर दिया और कुछ दिन के बाद रघुवीर की मौसी एक षड्यंत्र रचती है। अपने भाई से कहती है कि भैया, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तेरी शादी नहीं हुई, और अगर तू मेरा कहना मान ले तो तेरा भी घर बस जाएगा। नथु पूछता है कि बहन, ऐसी क्या तरकीब है? तो उसकी बहन कहती है कि हम एक दावत में रघुवीर और उसकी पत्नी दोनों को घर बुलवाएंगे, रघुवीर को खीर में जहर खिला देंगे और फिर कुछ दिन बाद बहू को तेरे नाम की मैं चूड़ी पहना दूंगी। इस प्रकार से रघुवीर की मौसी घर में षड्यंत्र रचती है और अपने भाई से क्या कहती है। जाई बाहन तेरी तू कहा मान ले मेरा मेरे कहे मैं चले गते घर बस जागा तेरा मैं मां जाई बहन तेरी तो क्या मान ले मेरा मेरे कहे मैं चले गाते घर बस जागा दर्द मेरे तेरी होती नहीं सगाई सब बातां का सुख हो जागा से तेरे पास दवाई मेरे कहे कि मान लिए सही इसमें तेरी भलाई इसमें तेरी भलाई कर दे पूरी आस तेरे ना हो कर दे पूरी आस तेरे ना मोड़ बंधा सर सेहरा अधम विचारे किसने पार लगा दे तेरी बहन ने मरना होगा तू मेरे प्राण बचा दे कर दिया तोड़ बात कारे तू
थोड़ा सा विसला दे, थोड़ा सा विसला दे। रघुवीर सिंह ते जहर खवा के, रघुवीर सिंह ते जहर खवा के, हो जा दूर अंधेरा। इनकार करेगा हाँ कर ली तै चौकस आवे वो कह के नहीं फिरेगा। धर्म कुर जैना टैगिना उस ते कति डरेगा, जहर खीर में गेर जिमाऊ खाते तुरंत मरेगा, खाते तुरंत मरेगा। मैं लुकमा लुकमा काम करूंगी हो, लुकमा लुकमा काम करूंगी, पटन दू ना बेरा, मेरे कहे में ताले गाते कर बस जागा तेरा, मैं मा जाई बाहर तेरी तो क्या मन ले मेरा, फर्ज नहीं से कहा मान ले मेरा रे, मेरी झूठी अर्ज नहीं से। तू मेरा कारज सिद्ध कर दे, किसे और ने गरज नहीं से। बहु फूल सी मिल जागी तेरा कुछ भी हर्ज नहीं से, कुछ भी हर्ज नहीं। लक्ष्मी चंद के फिकर करे मत, लक्ष्मी चंद के फिकर करे मत, बस जागा घर तेरा, मेरे कहे मैं साल लेगा ते घर बस जागा तेरा, मैं मादाई बाहर तेरी तो क्या मन ले मेरा, मेरे कहे मैं साल प्रकार से रघुवीर सिंह की मौसी ने घर में जाल रच दिया और रघुवीर के घर अगले दिन ही दावत का निमंत्रण भिजवा दिया। तो रघुवीर ने भी मौसी का न्योता सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्मकौर अपने पति को समझाती है कि श्रीमान जी, मुझे तो आपकी मौसी के भिजवाए गए न्योते में कुछ ना कुछ धोले में काला लगता है। लेकिन रघुवीर कहता है कि प्रिय, तू तो यूं ही खाम खां हर बात में बहम किया करती है, आखिर वो मेरी मौसी है, उसने मुझे मां का लाड प्यार दिया है, मेरा पालन पोषण किया है। लेकिन धर्मकौर कहती है कि पतिदेव, क्या आप इस बात को भूल रहे हैं कि इतिहास में ऐसे निर्दोष लोग हुए हैं और यहां तक कि मासूम बच्चों को भी एक बहुत लंबी कतार है जिनके ऊपर उनकी मौसियों ने बहुत अत्याचार किए हैं, तो मैं आपकी मौसी को ही दूध की झूली कैसे मान लूं। और अपने पति को समझाती हुई क्या कहती है,
चाहे कोई कितनी कर ले भलाई। नमोसी होती प्यारी मुसी और बेटे की पियाजी, कथा सुना दूं सारी। चाहे कोई कितनी कर ले भलाई, ना मुसी होती प्यारी मुसी और बेटे की पियाजी, कथा सुना दूं सारी। सुबह की मुसी हो जिस पेनी देख आई हो, चालबाज पावेगी मुसी थोड़ी चाहे घनी हो। मुसी और बेटे की पियाजी जै कद बात बनी हो, उद्यान पात की नार सरुचि जिसकी बात सुनी हो। जानपात की नार सरुचि जिसकी बात सुनी हो। हाँ पान का बेटा ध्रुव भगत था, पान का बेटा ध्रुव भगत था, उसकी लात कमर में मारी। मुसी और बेटे की पियाजी, कथा सुना तू सारी। चाहे कोई कितनी कर ले भलाई, ना मोदी होती प्यारी मोदी और बेटे की पियाजी, कथा सुना तू के घर रामचंद्र जी खुद अवतार हुए थे। जन्म हुआ जब राजमहल में खुश नर नार हुए थे। फिर के कई मुसी के कितने गलत विचार हुए थे, मुसी कारण रामचंद्र भी घर ते बाहर हुए थे। मुसी कारण रामचंद्र भी घर ते बाहर हुए थे। विद धक्के खाते फिरे बनों में, धक्के खाते फिरे बनों में, और संग में जनक दुलारी। मुसी और बेटे की पियाजी, कथा सुना तू सारी। खड़ग सिंह एक राजा था, उसकी उम्र बीत गई आधी। उसकी रानी मर गई थी फिर करी दोबारा शादी। खुद बेटे पे आशिक होगी झूठी बात फैला दी। रूप बसंत दो लड़के थे मुसी ने फांसी ला दी। रूप बसंत दो लड़के थे मुसी ने फांसी ला दी। दोनों घर से बाहर कढ़ा दी। ओ, 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 ओ
भले भान राजा था जिसका शालकोट धाम सुना हो। पूरन मल के तोह मदलाई नू सरे आम सुना हो। इश्क नशे में अंधी होगी मौसी का काम सुना हो। इश्क नशे में अंधी होगी मौसी का काम सुना हो। हाँ लक्ष्मी चंद कहे लक्ष्मी चंद के मौसी के ढंग में जाने दुनिया सारी मौसी और बेटे की पिया जी कथा सुना तू सारी। चाहे कोई कितनी कर ले भलाई ना मौसी होती प्यारी मौसी और बेटे की पिया जी कथा सुना तू सारी। फिर तो वही हुआ जो होना था। पति पत्नी मौसी के घर दावत के लिए पहुंच गए और मौसी ने रघुवीर की खीर में जहर मिला दिया। इस लालच से कि रघुवीर के मरने के बाद धर्मकोर को अपने भाई के घर में बिठा दूंगी। इस प्रकार रघुवीर के शरीर में जहर फैलता चला गया, बेहोशी सी बढ़ने लगी। लेकिन अभी कुछ होश में था। रघुवीर के बदन में क्रोध और निराशा बढ़ती जा रही थी, जबान बंद होती जा रही थी। कर्राहट भरी आवाज में अपनी मौसी से क्या कहता है, मेरी मौसी मन मारा चावे मतलब समझा सारा जामो सी तेरे कीड़े पड़ियो धोखा दे के मारा ना बोला मन जब ते हो सिमारा जड़ ते अपनी बेल कतर दी कोड रूप दिया जारा मेरे पिता के मैं एक लाल था वंश चलावन यारा मेरे पिता के एक लाल था वंश चलावन यारा मतलब समझा सारा
नहीं से जड़ मुसी करे दो बेटे ते जात जमात नहीं से भले घरा की धी बेटी ने अच्छा अपघात नहीं से मैं मुसी के छलने मारा या अच्छी शात नहीं से काया का इस जिंदगी में इस काया का इस जिंदगी में कोना जन्म दोबारा खामोशी तेरे कीड़े पड़ियो धोखा दे के ना मानी बात खोल के कहती तेरी कोई जा जिंदगानी मैं समझूं था मेरी मौसी कोई करे नहीं नादानी छल करके मेरी जान खपा दी खोदी रतन जवानी छल करके मेरी जान खपा दी अरे भीतर में थी पेट कतरनी भीतर में थी पेट कतरनी लोग दिखावा प्यारा पहर का होगा किसका दोष बता दू पासा कर्म लहर का हो गया बदला कौन लेनिया पड़ा नए बैर का हो गया बोलन तक की ताकत कोना असर जहर का हो गया बोलन तक की ताकत हो गया हाँ लक्ष्मी चंद कह मेरी मौसी ने लक्ष्मी चंद कह मेरी मौसी ने जुलम कड़ा बड़ा भारा मौसी तेरे कीड़े पड़ियो धोखा दे के मारा धर्मकोर भी यूं तो अपनी मौसी के महल में ही थी लेकिन उसको भी इस सारी कहानी का पता बिल्कुल नहीं चला।
और जब बेहोशी की हालत में रघुवीर तड़प रहा था, अपनी मौसी को मंद मंद सी आवाज में कड़वी मंदी कह रहा था, तो पति की आवाज की भनक धर्मकोर के कानों में पड़ गई, जो कि उसी घर में ही किसी दूसरे कमरे में दावत खा रही थी। तो धर्मकोर झटपट दौड़कर अपने पति के पास गई, देखा तो उसके सारे बदन में जहर फैल चुका था, लेकिन फिर भी उसे कुछ मामूली सी होश थी। तो धर्मकोर अपने पति से ऐसी हालत में क्या कहती है, तेरी बेहोशी देख पिया मैं, मरगी चक्कर आ गया, ठीक वक्त पे आगी धोरे तू मन जीवता पागा, तेरी बेहोशी देख पिया मैं, मरगी चक्कर आ चक्कर आ गया, ठीक वक्त पे आगी धोरे तू मन जीवता पागा, तेरी बेहोशी देख पिया मैं, मरगी चक्कर आ गया, ठीक वक्त पे आगी धोरे तू मन जीवता पागा, तेरी बेहोशी देख पिया मैं, मरगी चक्कर आ गया। मैं बरजू थी तू खोना माना, मन कथा सुना दी सारी, असर हुआ ना तेरी बात का विपता ले ली भारी, मौसी के घर आवन की पिया सलाह नहीं थी भारी, सो सो बार कही तेरे ते के मौसी हो हत्यारी, मौसी हो हत्यारी, जिंदगी खत्म हुई हुई तेरी तो खीर चहर की खा जा, तेरी बेहोशी देख पिया मैं, मरगी चक्कर आ गया, ठीक वक्त पे आगी दौड़े मैं जीवता पागा, तेरी बेहोशी देख पिया मैं, मरगी चक्कर आ तेरे मामा और
तेरे मामा और तेरी मौसी के तेरी ओढ़ता गम को ना तेरा दीन बना दूंगी मैं ये कोना चाहे हम कोना घर में गैर फूंक देती के मेरे हाथा में बम कोना कोई कोई सांस रहा काया मैं नाड़ी के मादम कोना नाड़ी के मादम कोना मैं कुण सा अब ये जतन करूंगी मैं कुण सा अब जतन करूंगी मेरे तीर जिगर में लाग गया तेरी बेहोशी देख पिया मैं मर की चक्कर सुती घर में वीर सती की जहर खवा के लहस बना दी मेरे मर्द जती की सब तरिया हीनी कर दी थी कदी थी तेज रती की धर्म कोर फिर रोवन लगी देखी शान पति की हुया उजाला बंद चुकर दे हुया उजाला बंद चुकर दे गोरे अंधेरा छा जा तेरी बेहोशी देख पिया मैं मर की चक्कर आ गया ठीक वक्त पे आगी दौड़े तू मने जीवता पा गया तेरी बेहोशी ते कती हाँ बोलन ते कती बंद हो गाइब सांस बदन में कोना मेरा पति मरा पड़ा लगिया सासू के तन कोना रंज फिकर मेरे पति की ओढ़ का इनके मन में कोना मरूंगी जान बचन की कोना जान बचन की कोना लक्ष्मी चंके है लाश पड़ी से लक्ष्मी चंके लाश पड़ी से हंस उड़ारी भर गया तेरी बेहोशी देख पिया मैं मर की चक्कर रघुवीर सिंह को मरे अभी महीना 20 दिन हुआ था कि रघुवीर की मौसी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी और फिर बहु धर्म कोर से क्या कहती है सच्ची बात खोल के कह दूं इसमें और सफाई के से मूल सिरे की चूड़ी पहर ले इसमें तेरी बुराई के
सरे की चूड़ी पहन ले, इसमें तेरी बुराई कैसे, सच्ची बात खोल के कह दूं, इसमें वो सफाई कैसे, मोड़ सरे की चूड़ी पहन ले, इसमें तेरी बुराई कैसे। नाजोपन की झोंक झिले, नाजोपन की झोंक झिले, हाँ दिन कट जाता न पति मिले, दिल कट जाता न पति मिले, पता इसकी और दवाई कैसे, मोड़ सिरे की चूड़ी पहन ले, इसमें तेरी बुराई कैसे, सच्ची बात बोल कर कह दूं, इसमें वो सफाई कैसे, मोड़ सिरे की चूड़ी पहन ले, इसमें तेरी बुराई। दुख करूं मैं दूसरा सर पे धरे के फिरूं दूसरा, सर पे धरे के फिरूं दूसरा, हाँ पति मर गया मैं, हाँ पति मर गया मैं, बरूं इसमें मेरी भलाई कैसे, मोड़ सिरे की चूड़ी पहन ले, इसमें तेरी बुराई कैसे, सच्ची बात बोल कर कह दो, इसमें वो सफाई कैसे, मोड़ सिरे की चूड़ी पहन ले, इसमें तेरी बुराई। सांस मार के घर में पड़ती, सांस मार के घर में पड़ती, कितने दिन तन हुए तड़पती, कितने दिन तन हुए तड़पती, आगे और समाई कैसे, मोड़ सिरे की चूड़ी पहन ले, सच्ची बात खोल के कह दो, इसमें वो सफाई कैसे, मोड़ सिरे की चूड़ी पहन ले, इसमें तेरी बुराई कैसे। लक्ष्मी चंद के बेड़े तिरा करे से, न्यू के बेड़े तिरा करे से, हाँ जब मेरे पे वो नीत धरे से, जब मेरे पे वो नीत धरे से, बता तेरा वो भाई कैसे, मोड़ सिरे की चूड़ी पहन ले, तेरी बुराई कैसे, सच्ची बात खोल के कह दो, इसमें और सफाई कैसे, मोड़ सिरे की।
रघुवीर की मौसी ने धर्मकोर को मोलसरे के हाथ की चूड़ी पहनने के लिए मजबूर कर दिया। अब तो उसका स्वप्न पूरा हो गया था, क्योंकि उसके भाई नत्थू का घर बस गया, यानी कि उसको पत्नी मिल गई। और उधर रघुवीर की लाश जो कि नदी में बहा दी थी, कुछ दिन बाद कहीं किसी स्थान पर किसी धोबी ने निकाल ली। उसका जहर कुछ तो पानी की झाल में ही समाप्त हो गया था और कुछ जड़ी बूटी से इलाज करवा दिया, और फिर धोबी ने उसे अपने पास में ही रखा। काफी दिन बाद एक दिन रघुवीर धोबी से इजाजत लेकर धनोरा ही आ गया। उसने घर आकर मौसी से प्रणाम किया, लेकिन मौसी ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और रघुवीर के कह दिया कि रघुवीर तो मर चुका है, तू वो रघुवीर नहीं है। तो फिर रघुवीर सिंह अपनी मौसी से क्या कहता है, मेरे ते तू करिए बात विचार के मुसी, भूल गी मने मार के मुसी, मेरे ते तू करिए मात पितम, तुमने सोचू था मात पितम, मैं करया खत्म तन खीर में विष डार के मुसी, भूल गिर भूल गे मन मार के मुसी, साफ उस करतार के मुसी, भूल गे मन मार के मुसी, मेरे ते तू करिए बात विचार के मुसी, भूल गे मन मार के मुसी। निशाना ता क्या,
था पुचकार के मुसीब भूल गे मन मार के मुसीब मेरे ते तू करिए बात विचार के मुसीब भूल गे मन मार के मुसीब राम की माया कदे धूप कदे हो से छाया कदे धूप कदे हो से छाया अज मैं थारे धोरे आया अज मैं थारे धोरे मौसी ने तो रघुवीर सिंह को सांप पहचानने से इनकार कर ही दिया। इधर मौसी के सिखाए जाने पर धर्मकोर ने भी अपने पति को नहीं पहचाना, क्योंकि अब तो वह नत्थू की पत्नी बन चुकी थी। रघुवीर ने अब तो राजा की अदालत में अपनी हत्या का मुकदमा अपनी मौसी और अपने मामा नत्थू के नाम कर दिया। तो राजा के सामने रघुवीर सिंह अपनी मौसी को सबूत देता है, बताता है कि मैं वही असली रघुवीर हूं जिसकी तुमने जहर खिलाकर हत्या की थी। और क्या कहता है, के लिख दी तकदीर में मने सो सो विता भर दी के लिख दी तकदीर में मने सो सो विता भर ली के लिख दी तकदीर में मने सो सो क्या करूं था या भी मन में जान से सारा शहर धनोरा जाने सारा शहर धनोरा जाने तू मानस खानी डान से जहर मिलाया तन खीर में जहर मिलाया खीर में मेरी चलती बेल कतर दी तकदीर में मन सो सो आया था भूल गई पापण
मौसी तने गोद खिलाया था, तू भी भूली धर्मकुर, हाँ तू भी भूली धर्मकुर, तने मोड़ बांध के लाया था मैं वो है सुरग वीर बात तेरे, वो है सुरग वीर बात तेरे, दीप तलक ना चली केल गति तक तीर में मन सो सोड़ कावर ली, केल गति तक तीर में मन सो सोड़ कावर ली, केल गति तक चाड़े करनी इत्र रमावे के सामे, पतिव्रता का धर्म छोड़ के रहती अच्छी भेसामे, मोड़ सरा तने खसम बना लिया, मोड़ सरा तने खसम बना लिया, रुका पड़ जा दे सामे चमके लागे तेरे चीर में, चमके लाग तेरे चीर में, आख्या पे ठेकी धर ली केल खजी तक दीर में मन सो सोरता भर ली, केल खजी तक दीर में मन सो सोरता भर ली, केल खजी तक दीर में चरणों में बाजे शीश झुकाते, कितने दिन जीवे मामा तू माल भांजे का खाके, धर्मराज की लगे कचहरी, धर्मराज की लगे कचहरी, यूं कह दूंगा जाके कीड़े पड़ जा तेरे शरीर में, कीड़े पड़ जा तेरे शरीर में, तने बहु भांजे की कर ली केल खजी तक दीर में मन सो सोड़ता भर ली, केल खजी तक दीर में मन सो सोड़ता भर ली, केल खजी तक दीर में। प्रकार राजा ने फैसला कर दिया जिसके अनुसार रघुवीर की मौसी व उसके मामा को फांसी की सजा सुनाई और धर्मकोर को भी जेल में डाल दिया, लेकिन बाद में उसने अपनी सभी गलतियां मान करके माफी मांग ली। इस प्रकार से रघुवीर और धर्म को रहने सहने लगे। ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा गाए गए अलग अलग किस्से आप सोनू टोन की ही कैसेट में सुनते हैं।